मणिपुर में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में महज 2 दिन बचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी इम्फाल और चुरा चांदपुर जिलों में घर घर जाकर प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इम्फाल में लोगों के बीच जाकर कांग्रेस को जिताने की अपील की है। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बीजेपी और कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश करने में लगी है। चलिए देखते हैं मणिपुर के पहले चरण में कहां कहां वोट डाले जाएंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में चुनाव आयोग ने बदलाव कर दिया था। मणिपुर में पहले चरण के लिए अब 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होना था। इसके अलावा मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान की तारीख 3 मार्च से बदलकर 5 मार्च कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 9,85,119 पुरुष और 10,49,639 महिला वोटर्स हैं। वहीं ट्रांसजेंडर्स मतदाताओं की संख्या 208 है। विकलांग मतदाताओं की संख्या 14,565 है, जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 41,867 है। राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,959 है। 1,099 मतदान केंद्रों और 763 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील और महत्वपूर्ण के रूप में की गई है। पहले चरण में मणिपुर की इन सीटों पर है वोटिंग: खुंद्रकपम, हिंगांग, खुरई, खेत्री गांव, एस थोंगजू, केईराव, एंड्रो, लमलाई, थांगमीबंद, लोरी पोक, सगोलबंद, किसम थोंग, सिंजामेई, याईस्कुल, बांगखेई, सेकमाई, लामसंग, कोंथोजम, पटसोई, ओलंगथावल, नोरिया पखांग लखपा, बांगोई, मायंग इम्फाल, नंबोल, ओनम, विशनपुर, मोईरंग, थंगा, कुंभी, सैकुल, सो कांग पोकपी, सैतू तपईमुख, थनलोन, हेंगलेप, चुरा चांदपुर, सैकोट, सिंघाट। मणिपुर में पहले चरण में 28 फरवरी को मतदान है और 38 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अधिकारियों ने 175 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को मंजूरी दी है। चुनाव आयोग ने मणिपुर के उग्रवादी गुटों को विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की इजाजत दी है। ये वो उग्रवादी हैं जिन्होंने सरकार से सीज फायर किया है, साथ ही इनके नाम वोटिंग लिस्ट में भी है। हालांकि आयोग ने इसके लिए कई तरह की शर्तें भी रखी है। मणिपुर में बहुमत का आंकड़ा 31 है। पिछली बार कांग्रेस को अधिक सीटें मिली थी, मगर बीजेपी ने एनपीपी, एलजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन एक बार फिर मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।